पे आज आए हैं इतना पूरा बल के साथ, तो किस तरह की चेक जांच की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। तो आप नाम तो बता दीजिए, अंदर अधिकारी कौन है, अधिकारी कौन है, उनका नाम हम कुछ नहीं बता सकते। मैम आप किसी को जाने भी नहीं दे रहे हो, प्रेस से कोई है नहीं, उसके बाद आप नाम भी नहीं बताना चाह रहे हो, ऐसा क्यों? एक बंदा साथ में रहता है प्रतिष्ठान पे, आखिर क्या क्या कारण है कि ऐसा ऐसा कहाँ से आदेश है आपको? अच्छा, हमको नहीं घुसने देने का आदेश किसका है ये तो बता दीजिए, कि मीडिया को अंदर नहीं घुसने देना है, प्रेस वालों को भी, वो आदेश किसी ने तो दिया होगा? मीडिया को कुछ बताने का भी आदेश नहीं अभी हमारे पास। मीडिया मतलब हम खुद ही इस प्रेस के हैं तो भी, तो अरे तो आदेश किसने दिया? वो आदेश किसी अधिकारी ने दिया होगा, उस अधिकारी का नाम भी तो पूछ रहे हैं हम आपसे, कि किसके आदेश से आप हमको जाने नहीं दे रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, किसके आदेश से? आप उन अधिकारी का भी नाम यहाँ बता दीजिए, ऐसे कौन से दंगे या ऐसा कैसा? हाँ, ऐसे तैयारी नहीं थी इनकी, एक बजे रेड करनी पड़ रही है। अरे वो भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, पता नहीं कौन से दंगे चल रहे हैं यहाँ। लोकस्वामी प्रेस पर इंदौर पुलिस 200-300 पुलिस वालों के साथ, जिसमें से कुछ पुलिस वाले दारू भी पिए हुए हैं। हनी ट्रैप को मामले को लेकर जो लोकस्वामी की मुहिम चल रही है लगातार, कई अधिकारियों के और वीडियो सामने आए, भविष्य में कई और भी वरिष्ठ अधिकारी जो मध्य प्रदेश लेवल के हैं उनके वीडियो भी, अश्लील वीडियो सामने आने की आशंका है। इसलिए सरकार के अधिकारियों ने अपने सरकार के पावर का दुरुपयोग करते हुए लोकस्वामी समूह के पूरे व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसायी जगह पे भी, घर पर भी और प्रेस पर भी छापेमारी इस तरीके से की कि किसी को भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। और सूत्र द्वारा ये भी पता चला है कि अंदर बिना किसी सदस्य को ले जाए कुछ तो भी चेकिंग की जा रही है, अंदर से कुछ भी गायब हो सकता है, अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ रख सकता है, सारी स्थिति बन सकती है। आखिर पुलिस क्या करना चाहती है, ये बड़ा विषय है। इसमें कुल मिला के ये आशंका जन्म ले रही है कि कल पुलिस कुछ भी नई कहानी बना के यहाँ से कुछ भी फर्जी चीजें जब्त होना बता सकती है, और लोकस्वामी प्रबंधक जीतू सोनी जी को उलझाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र पुलिस कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है, मध्य प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेता कर रहे हैं। आखिर ये क्या राज है कि किस तरीके से उलझाना चाहते हैं, तो कल पुलिस से ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या रखवाया, और ये बताएंगे कि हमको वहां से ऐसा ये मिला। ये देखने लायक होगा, पुलिस का ये भी रूप देखिए कि किस तरीके से पुलिस उलझाती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। कल से ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, पत्रकारिता करने वाले हर आदमी के साथ हो सकता है, कि जो भी अगर सरकार के विरुद्ध, सरकार के अधिकारियों के अगर इस तरीके से वीडियो और इनकी इनकी अश्लीलता को, सच्चाई को सामने लाएगा, तो पुलिस अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग करेगी। 200-400 पुलिस वाले लेके और बिना किसी को अंदर जाए चेकिंग करेगी, और चेकिंग के नाम पे कुछ भी फर्जी दस्तावेज अंदर से जब्त बता सकती है, कुछ भी चीजें अंदर अवैधानिक चीजें रख सकती है और उसको अंदर से जब्त बता सकती है। इस तरह की पुलिस की कार्रवाई को क्या कहेंगे ये आप ही निर्णय करना। इंदौर पुलिस जो स्मार्ट पुलिसिंग की बात करती है, ऐसी है स्मार्ट पुलिसिंग, किसी के भी घर में घुसको उसको किस तरीके से निगेटिव प्रचार किया जाएगा ये हम पहले बता रहे हैं आज, कि कल इंदौर पुलिस के अधिकारी अपना महिमा मंडन कर सकते हैं, कुछ भी फर्जी चीजें जब तक ही बता सकते हैं। जब अपना अकेली अंदर है, कोई भी प्रेस का या परिवार का सदस्य अंदर साथ नहीं है, पुलिस कुछ भी फर्जी चीजें अंदर से जब्त बताकर और कल कुछ भी अनर्गल आरोप प्रेस मालिक पर लगा सकती है, पत्रकारों पर फर्जी प्रकरण दर्ज कर सकती है। इसलिए ये वीडियो आज छापेमारी की रात को ही बनाया गया, ताकि पता चल सके कि जो भी चीज अगर इस तरीके के दस्तावेज कुछ भी फर्जी सामने लाए जाते हैं तो वो कैसे बनाए गए होंगे, उसका जीता जागता उदाहरण है। कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, जब भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। घर पर भी यही स्थिति है, उनके होटल पर भी यही स्थिति है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अंदर आखिर पुलिस ऐसा क्या रखना चाहती है, होटल पे, घर पे, प्रेस पे, या अंदर से क्या जब्त बताना चाहती है? ये बड़ा विषय है, और 100% पुलिस अपनी षड्यंत्र में कामयाब भी शायद हो जाएगी, और कल फर्जी दस्तावेज लेके बड़े बड़े कुछ दावे भी करेगी, पर उसका दावा इस वीडियो के कारण अधिकारी खड़े हैं। अभी सूत्रों द्वारा ये भी पता लगा है कि कुछ अंदर सूत्रों द्वारा ये भी पता चला कि अंदर कुछ फर्जी कागज बनाने, कुछ कागज रखने की तैयारियां हो रही है पुलिस द्वारा, ताकि कुछ भी अनर्गल आरोप लगाया जा सके और मीडिया, लोकस्वामी समूह को पुलिस द्वारा बदनाम किया जा सके। इस तरह का षड्यंत्र पुलिस यहाँ लाइव कर रही है, और पत्रकारों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, कई पत्रकारों के तो कैमरे जब्त कर लिए हैं, कुछ पत्रकारों के साथ मारपिटाई भी करी है, तोड़ भी दिए कैमरे तोड़ दिए हैं। पुलिस का ये इंदौर पुलिस का स्मार्ट पुलिसिंग कितनी अच्छी है, ये आपको यहाँ देखने को मिल रही है।